हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। हम जो ये सीरीज स्टार्ट करी है डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है कायरालिटी। कायरालिटी क्या होती है इसके ऊपर क्वेश्चंस तो जरूर बनते हैं। वैसे तो काफी इजी सा टॉपिक है, मैं आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे हमें पता है कि कार्बन जो है, कार्बन का यूजुअली जैसे अगर उसकी फोर वैलेंसीज है तो वो फोर वैलेंसीज टेट्राहेड्रल शेप में होती है। और अगर आप सोचो कि इस फोर वैलेंस किसी के साथ में जो भी जुड़े हुए हैं, जितने भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं, और अगर ये सभी ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, अगर ये सभी ग्रुप्स ऑफ एटम डिफरेंट हो तो उस कार्बन को कहा जाता है, इस कार्बन को हम पर्टिकुलरली कहेंगे काइरल कार्बन, राइट? हम क्या कहते हैं उसको? हम उसको काइरल कार्बन कहते हैं। अब आप कहोगे कि ऊपर तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो चलो देखते हैं कि इस डेफिनेशन में और इसमें क्या है और ये हमें इसको हमने क्यों कहा। ये सबसे इजी वे है। अब देखो, काइरालिटी मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, विच आर नॉन सुप्रीम पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। अब इस वर्ड को समझ लेते हैं। पहले तो आप ये चीज याद रखो कि अगर कोई कार्बन है और कार्बन के जो जुड़े हुए चार जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे वो सभी डिफरेंट रहेंगे तो उसको काइरल कार्बन कहा जाएगा, या फिर हम दूसरा नाम देते हैं इनको और वो होता है असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या होता है इसका नाम? असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है? तो हम इसको असिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं या फिर काइरल भी कह सकते हैं। अब देखो, यहां पर एक और वर्ड होता है बेटा जो काफी बार यूज होता है और वो होता है स्टीरियो सेंटर। अब इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, अभी तो ये सिर्फ वर्ड्स आप याद रखो। अब होगा क्या, देखो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो ये चीज ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखो, अगर मेरे पास में एक स्मॉल लेटर ए, यहाँ पर कैपिटल लेटर ए है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखती हूँ तो इसकी मिरर इमेज ऐसे ही दिखेगी। और आप सोचो कि आपने ये वाला जो ए है इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दिया तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, ठीक है? ये क्या करते हैं? कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसे कहता है कि इसे कहा जाता है सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है? मतलब जो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप कर लेगी उसे कहा जाता है सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है? अब देखो, नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस मतलब कैसे, या तो फिर पहले इन्हीं के कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो, ये एक ओ है, लेटर ओ है, अगर मैं ओ को मिरर इमेज देखूं तो ये ऐसे ही बनेगी और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी? सुप्रीम पोज हो जाएगी, मतलब आराम से हो जाएगी, उसको ओवरलैप कर लेगी। बट अगर मैंने इसकी जगह बी ले लिया है और मैंने बी की मिरर इमेज देखी तो बी की मिरर इमेज ऐसे बनती है। अब ये अगर मैं यहां से बी को उठा के इसके ऊपर रखूं, अगर मैंने बी को उठा के, मैंने क्या किया, इस बी को उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो क्या ये ओवरलैप करेगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? डू नॉट ओवरलैप कंप्लीटली, और इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या कहते हैं हम इसको? नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस। और हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप अगर देखोगे तो डेफिनेशन में यही वर्ड यूज किया गया है। तो देखो, डेफिनेशन में क्या बोला गया है? डेफिनेशन में कहा है कि काइरलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, राइट? और ये प्रॉपर्टी किससे हो रही है? देखो, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे यहां पर हम देख लेंगे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा बी, ये नॉन सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते, तो इसके लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? काइरल कहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन सुप्रीम पोजेबल इमेजेस है। और साथ में आप और आप देख सकते हो, आप अगर आप कमेंट में लिखिए मुझे ऐसे अल्फाबेट्स कौन से है जो बिल्कुल अपने मिरर इमेजेस पे ओवरलैप नहीं करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है काइरालिटी, ठीक है? और इसको याद रखने का तरीका आपको यही है कि अगर कोई भी कंपाउंड दिया है हमें कार्बन से रिलेटेड, अगर उसके पास में चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो, इस वर्ड को याद रखना बेटा, तो उसे कहा जाता है काइरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन या फिर हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो है हम स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारे हम अगर दोनों हाथ ले ले या दोनों पैर ले ले, आप जब उनकी
मिरर इमेजेस देखते हो, ये एक्चुअली मिरर इमेजेस ही है एक दूसरे के, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे और इसीलिए उनको काइरल ऑब्जेक्ट जो है हम कहते हैं। अब ये तो हो गए हमारे डे टू डे लाइफ वाले ऑब्जेक्ट्स की बातें, अब हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल में जैसे देखो मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है, फिर यहाँ पे CH3 है, ये यहाँ पे H है और ये क्या है OH है। तो आप देख सकते हो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये प्रोपेन टू ऑल है। अगर आप इसकी मिरर इमेज अगर ड्रॉ करने जाओगे, ठीक है, तो मिरर इमेज कैसे बनती है इसकी, देखो इसकी मिरर इमेज इस तरीके से बनेगी। एग्जैक्टली तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बट फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको ड्रॉ करने की। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगी इसकी मिरर इमेज और यहाँ पर जो है ये H रहेगा और यहाँ पर जो है ये CH3 रहेगा। ठीक है, अब हम कैसे देखते हैं कि इसको ओवरलैप करने के बाद में क्या होता है। एक्चुअली इस कंपाउंड को रोटेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर अब आप इस कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये कंपाउंड वापस से वैसे ही बनेगा जैसे कि यहां पर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं जाके इससे ओवरलैप कर लेगा। जब आपने कितने से रोटेट किया है, 180 डिग्री से, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो प्रोपेन टू ऑल है और ये वाले कंपाउंड क्या हो रहे, ओवरलैप, और इसीलिए ये क्या है, सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस है। कौन से है, सुप्रीम पोजेबल मिरर इमेजेस, और इसीलिए ये कंपाउंड अकायरल होता है, कायरल नहीं होता। और वैसे भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक में आपको देखना है कि कार्बन से सराउंडेड जितने भी ग्रुप है ये चारों डिफरेंट होना चाहिए, बट ये दोनों तो सेम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अकायरल होगा। और इस कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर नहीं कह सकते। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बेटा, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसमें ये काइरल कार्बन है या फिर नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि हर बार हमें मिरर इमेजेस ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि कार्बन जो है वो कितने ग्रुप से अटैच्ड है, राइट। सो जैसे यहाँ पर देखो एक CH3 है, एक C2H5 है, एक H है और एक क्या है, OH है। अब जैसे चारों से अटैच्ड है और चारों डिफरेंट है, मतलब ये कार्बन क्या हुआ, काइरल कार्बन हुआ। या फिर इस कार्बन को एक ऐसा स्टार भी हम बनाते हैं, और जब भी स्टार बनाते हैं हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, स्टीरियो सेंटर है। और हमेशा स्टीरियो सेंटर जो होता है वो एस्ट्रिक से दिखाया जाता है। ठीक है, स्टीरियो सेंटर हमेशा से एस्ट्रिक से दिखाया जाएगा और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से स्टीरियो सेंटर कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर आपको समझ में आ गया हो, आप अगर और भी कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तो यहां पर बेटा आपके लिए कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आपको इनमें से स्टीरियो सेंटर मार्क करना है और या फिर हम मैं कहूंगी कि स्टीरियो सेंटर को आपको इसमें जो है वो एस्ट्रिक बनाना है कि भाई स्टीरियो सेंटर कौन सा है। आप करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा ये चीजें। एग्जाम में ये चीजें आती है, या तो आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन से किसके पास में स्टीरियो सेंटर है, या फिर आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, इनमें से स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करते। चलिए सॉल्व करते। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इसके पास ऑलरेडी तीन है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले कार्बन को चेक करते, इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर स्टार लगा दिया। अब देखो इसके पास में एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और ये पूरा कंप्लीट ग्रुप मानो इसको, है ना, एक कंप्लीट ग्रुप मतलब चारों और एक ये हो गया, देखो एक ये हो गया, तो क्या हुए, चारों जो है डिफरेंट ग्रुप है और इसीलिए ये मॉलिक्यूल काइरल मॉलिक्यूल है और ये जो मैंने स्टार बनाया ये क्या है, इसका स्टीरियो सेंटर है। वैसे ही बेटा आप इन सब में भी चेक कर सकते हो। आप जब देखोगे दो मिनट के लिए आप पॉज करो और उसके बाद में फाइंड आउट करो कि इनमें से स्टीरियो सेंटर कौन सा है। तो चलिए पॉज करिए और उसके बाद में फाइंड आउट करो आंसर। तो मैं आपको आंसर बता देती हूं, और इसमें से जो स्टीरियो सेंटर है वो ये है, ये हो नहीं सकता
क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके चारों वैलेंसी में से दो वैलेंसीज तो ऑक्सीजन के पास में ही है। इसमें से ये स्टीरियो सेंटर होगा क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप्स है, इसमें से ये स्टीरियो सेंटर होगा क्योंकि इसमें भी चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। सो स्टूडेंट आई होप आपको आज की क्लास में मैंने जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप अगर कोई और टॉपिक चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।